हेलो एवरीवन, इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट नंबर 4 के अंदर सेकंड जो चैप्टर है टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक टीचर जो है वह अपने क्लासरूम में टीचिंग एंड लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो वह सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बालक भी है और साथ ही साथ जो सामान्य बालक हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए वो अपनी क्लासरूम को किस प्रकार से सेट करता है। बेसिकली कुछ क्लासेस इस जो पीपीटी है उसके कुछ टर्म्स इंग्लिश में होगी, मैं आपको हूबहू उसका थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करके सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, एजुकेटर रेफर्स टू क्लासरूम और ए प्लेस वे टीचिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस एज ए लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी शिक्षक एक कक्षा या एक ऐसी जगह को संदर्भित करते हैं जहां शिक्षण और सीखने के वातावरण में वो होते हैं। यानी हमेशा कह सकते हैं कि शिक्षक जो हैं वह क्लास को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि वहां पर सीखने से या सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, लेकिन दे आर डिसएग्री अबाउट व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट डिलीवर द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग टू स्टूडेंट ऑफ डिफरिंग एबिलिटी। यानी अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे क्लासरूम के अंदर है उसके लिए मोस्ट अफेक्टिव जो वे होगा वो क्या होगा वो नहीं बताते हैं, कि ऐसा कोई एक विशेष तरीका नहीं है जिसके माध्यम से आप जो अलग अलग जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ वाले बालक हैं उनको एक साथ शिक्षा दे पाए। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज ए स्कूल और एक क्लासरूम वेयर स्टूडेंट ऑफ एवरी एबिलिटी लेवल रिसीव टीचिंग इन द सेम पैलेस। यानी अगर हम एक समावेशी शैक्षिक वातावरण की बात करें, चाहे वह स्कूल हो चाहे वह कक्षा कक्ष हो, वहाँ पर हर प्रकार के बालक को हर लेवल पर यानी उनकी जो एबिलिटी लेवल है उसके आधार पर उसको उसकी क्षमता के स्तर के अनुरूप जो है वह शिक्षा प्राप्त करते हैं। दिस मीन्स दैट पर्टिकुलरली एबल स्टूडेंट्स लर्न alongside those who have special educational need such as dyslexia, dyspraxia and attention deficit disorders है, यानी जो learning disabilities है उन disability के साथ जैसे कि dyslexia है और dyspraxia है, dyscalculia है, ये abasia है, ये कुछ learning disabilities होती है जो अलग अलग बालकों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि विशेष रूप से जो सक्षम छात्र हैं, जो एबल चाइल्ड हैं, वे उन बच्चों के साथ सीखते हैं जिनके पास पास जो है कुछ विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं होती है, जैसे कि डिस्लेक्सिया वाले हैं, डिस्प्रेक्सिया वाले हैं, इस प्रकार के जो विकार वाले जो बालक हैं उनके साथ जो है इस प्रकार का जो टीचिंग लर्निंग जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर सेट किया जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होता कि डिस्लेक्सिया क्या है और डिस्प्रेक्सिया क्या है, डिस्कैलकुलिया क्या है, तो इनका एक सामान्य सा अर्थ है कि कुछ जो बालक हैं वह पढ़ने लिखने में कमज़ोर होंगे, जिनको आसानी से पढ़ने में समस्या है, कुछ ऐसे बालक होंगे जो कह सकते हैं कि पढ़ने के साथ लिखने में या देखने में भी समस्या है। एक डिसग्राफिया नाम का एक और लर्निंग डिसऑर्डर है जिसके अंतर्गत जो है बालक लिखने में अक्षम रहता है। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उन बालकों के साथ ही, उन सामान्य बच्चों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाने का कार्य किया जाता है, कि इस प्रकार की जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के जो बालक हैं उनके लिए एक प्रॉपर टीचिंग मेथड क्या हो। तो हम डिस्कस करते हैं कि किस मेथड से हम इस प्रकार के बालक को पढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो टीचर है वो टीचर का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। टीचर्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज बाय गिविंग देम टास्क टू वेरिंग डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। यानी जो शिक्षक है वह विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के बीच अंतर करते हैं और उन्हें अलग अलग कठिनाई का कार्य देते हैं। यानी जिसको जिस प्रकार की डिसेबिलिटीज है उसी के अनुरूप, यानी उसका जो लेवल है कि किस लेवल की डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर उसके अंदर पाया जाता है उसी हिसाब से उसको टास्क दी जाती है और वह अपने कठिनाई के आधार पर यानी उसकी जो एबिलिटी है उसके आधार पर उसको पूरा करता है। ए सिंगल एक्टिविटी मे पोज डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंजेस। आप किसी बालक को एक ही प्रकार की एक्टिविटी यानी सारे बच्चों को आप एक ही प्रकार की एक्टिविटी देने का प्रयास करता है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं एंड हैव डिफरेंट आउटकम्स। अगर आउटकम्स की बात करें तो वो भी आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, कि आपके स्टूडेंट किस प्रकार के हैं। एक बच्चा जो है पढ़ने में कमजोर है और एक बच्चा जो लिखने में कमजोर है या सुनने में कमजोर हो, सभी को कह सकते हैं एक जैसा जो टास्क है वो नहीं दिया जा सकता। सभी के लिए जो टास्क या उसका जो लेवल होगा, जो स्टैंडर्ड होंगे, वो अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। और टीचर में गिव ए डिफरेंट टास्क टू ईच स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। यानी जो एकल गतिविधि का जो चुनाव है विभिन्न स्तरों पर वह
समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, चुनौतियां देखने को मिलती हैं। छात्र के आधार पर यानी किस लेवल का बच्चा है उसके आधार पर आपको अलग अलग प्रकार के परिणाम देख सकते हैं। इसलिए जो एक शिक्षक है वह सभी बालकों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग कार्य दे सकता है। इस प्रकार की टीचिंग मेथोडोलॉजी का प्रयोग, इस प्रकार के टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट में इसका प्रयोग किया जा सकता है कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, कि हम इन अल्टरनेटिव्स यानी विकल्पों का प्रयोग करते हुए भी इन जो टीचिंग का जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। नॉट ऑल एजुकेटर्स एग्री विद इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी जो शैक्षिक या विद्वान हैं वह इस इंक्लूसिव एजुकेशन के समर्थन में नहीं है। उनमें से कुछ यानी सम सजेस्ट स्पेशल एजुकेशन एज अल्टरनेटिव, यानी उनके लिए वह एक विशेष शिक्षा का उपाय देते हैं या सुझाते हैं। वेयर स्टूडेंट विथ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड डिसेबिलिटीज रिसीव टीचिंग सेपरेटली, यानी जिस बच्चे को जिस प्रकार की डिसेबिलिटीज है उसके आधार पर वो शिक्षा प्राप्त करें। दे आर्ग्यू दैट इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव लर्निंग हिंडर्स मोर एबल टू स्टूडेंट एंड डिप्राइव लेस एबल स्टूडेंट टू इंडिविजुअल अटेंशन। अगर हम बात करते हैं यानी वो तर्क देते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है वह अधिक सक्षम छात्रों को बाधित करती है और कम जो सक्षम छात्र है उनको व्यक्तिगत ध्यान से वंचित करती है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है उनको उन बच्चों के लिए रुकना पड़ता है जो आसानी से समझ में नहीं। जैसे कि हम सपोज देखिएगा कि आपकी क्लास में एक जो है आप बहुत जल्दी से सीख रहे हो, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं। आपने पूरी क्लास में सभी अच्छी तरीके से समझ लिया, उसमें से कुछ एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको बार बार समझाने पर आप जो है वह थोड़े से एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कई जो विद्वान हैं वो इस प्रकार की शिक्षा को कह सकते हैं कि सजेस्ट नहीं करते हैं, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसके पक्ष में ये नहीं रहते हैं कि एक बच्चे जो है उस बच्चों में यानी जो कम जो सक्षम बच्चे हैं उन पर आप जो कह सकते हैं जो व्यक्तिगत ध्यान जो है वह दे, इस पर आप इस पर एग्री नहीं है। कहते हैं इट इज़ द गोल ऑफ एजुकेटर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट इन दियर लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। In fact, this is a requirement of the Individuals with Disabilities Education Act, IDEA, जो एक्ट है वह एक्ट जो है वह यह व्यवस्था करता है कि जितने भी जो इस प्रकार के जो बालक हैं वह उनके लिए शिक्षकों का ये लक्ष्य है कि कम से कम जो है प्रतिबंधात्मक यानी जो रेस्ट्रिक्शंस है वह कम से कम हो और सभी छात्रों के लिए इंस्ट्रक्शंस की जो सुविधा है प्रदान की जाए। और विकलांग शिक्षा जो अधिनियम जो अभी कहा है कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट IDEA जो है वह कहता है या कह सकते हैं कि ये जो है वह इस प्रकार की जो नीड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस करते हैं। दिस लॉ वाज रिटन टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज रिसीव एन एजुकेशन दैट मीट देयर नीड व्हाइल अलाउविंग them opportunities to interact and engage with non-disabled peers as much as possible. यानी यह कानून जो है जिसको अभी हमने कहा कि IDEA ये सुनिश्चित करता है कि विकलांग सभी छात्रों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान या प्राप्त हो जो उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है और जितना संभव हो गैर अक्षम साथियों के साथ जितना संभव हो सके वो बातचीत करे और संलग्न हो उनके साथ जुड़े, इस प्रकार के अवसरों पर ये जोर देती है। यानी ये जो एक्ट है ये सुनिश्चित करता है कि सामान्य बालकों के साथ ही विशेष बालकों को रखा जाए ताकि उनको जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर हम पास्ट की बात करें, इन द पास्ट स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज वर मैन स्ट्रीम्ड इन टू द जनरल एजुकेशन सेटिंग एक्सपेक्टेड टू लर्न एट द सेम पेस एंड लेवल। यानी अगर प्राचीन समय की बात करें तो विकलांग छात्रों को सामान्य शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया गया था और साथ ही इनकी जो स्पीड है उनकी जो गति है और उनका जो स्तर है उन पर उस लेवल पर सीखने की जो कह सकते हैं कि कल्पना की गई थी। फिर भी अगर हम बात करें कि ऑल दो द इंटेंशन वॉज गुड स्टूडेंट्स ऑफन लैक द सपोर्ट टू प्रोग्रेस सक्सेसफुली। यद्यपि इरादा बहुत अच्छा था, छात्रों को अक्सर सफलतापूर्वक प्रगति करने के लिए समर्थन की तो है वह आपको कमी देखने को मिली। इन एन अटैम्प्ट टू प्रोवाइड ए मोर इक्वल एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट टीचर्स आर टर्निंग टू ए इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में शिक्षक एक समावेशी सीखने की माहौल की ओर रुख कर रहे हैं। यानी समावेशी
न केवल समावेशी शिक्षा बल्कि समावेशी शिक्षा के साथ ये भी आवश्यकता महसूस की जाती है कि एक टीचर, एक स्कूल और इसका जो कह सकते हैं कि जो सोशल लाइफ है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, तो इसको हम डिटेल के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहला, व्हाट मेक्स एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मैन स्ट्रीम इज द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड ऑफ एवरी लर्नर, यानी जो समावेशी सीखने के माहौल को मुख्य धारा से बिल्कुल अलग बनाता है वह हर शिक्षार्थी को यानी हर उस बच्चे को उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग करने की क्षमता या वो रखता है। वेदर इट इज दोज वो लर्न एट ए स्लोअर रेट, यानी यद्यपि चाहे वे लोग काफ़ी धीमी गति से सीखते हो या जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी गतिविधियों से चाहे वह लाभान्वित हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दी दोज गिफ्टेड स्टूडेंट वो बेनिफिट फ्रॉम इनरिचमेंट एक्टिविटी, यानी वे सभी जो एक्टिविटी जो हैं जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए रखी जाती हैं वैसे ही गतिविधियों का आयोजन इन बच्चों के लिए किया जाए। इवन इन ए टिपिकल जनरल एजुकेशन क्लासरूम स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ऑन मैनी डिफरेंट लर्निंग लेवल्स, यहाँ तक कि विशिष्ट सामान्य शिक्षा वाली जो कक्षा है वहाँ पर जो छात्र हैं उनको अलग अलग सीखने के स्तर पर प्रगति करने के मौके मिलते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ एवरी लर्नर द टीचर मस्ट प्रोवाइड एक्टिविटीज एंड लेसन विथ विच मीट द सेम स्टैंडर्ड विथ वेरिड स्टडीज ऑफ मेथड्स, यानी इसी कड़ी के अंतर्गत जो शिक्षक है वह इस प्रकार की गतिविधियों या इस प्रकार के पाठों को प्रस्तुत करें या ऐसी रणनीतियों या तरीकों का प्रयोग करें जो समान मानकों को पूरा करते हैं। यानी यहाँ पर समान मानकों का अर्थ होता है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है जो सामान्य बालकों के लिए है चाहे विशिष्ट बालकों के लिए है उन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको वह ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। Inclusive instruction not only reaches students who learn at different background found in American schools. समावेशी निर्देश न केवल उन छात्रों तक पहुंचता है जो अलग अलग दरों पर सीखते हैं, यह अमेरिका में पाए जाने वाले स्कूलों के जातीय और आर्थिक पृष्ठभूमि की विविधता को भी संबंधित करता है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो है आर्थिक रूप से भी जो अलग अलग प्रकार के जो बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी समान रूप से सीखने के मौके मिलते हैं। नेक्स्ट जो है इट इंफ्यूजेज द एंटायर गैमुट ऑफ लर्नर्स एंड इंश्योर प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट, ये शिक्षार्थियों को पूरे सरगम को प्रभावित करता है और प्रत्येक छात्र के लिए प्रगति को है सुनिश्चित करता है कि सभी जो बालक हैं वह समान रूप से यहाँ पर फायदा मिले या फिर उसको सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। नेक्स्ट चलते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव लर्निंग, यानी इंक्लूसिव लर्निंग के क्या महत्व है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कौन सी विशेषताएं हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू लर्न, सभी बच्चों के पास सीखने की योग्यता है। द राइट टू रीच दियर हाईएस्ट पोटेंशियल, सभी को उनके उच्चतम जो क्षमता है वहाँ पर पहुँचने के अधिकार हैं। एवं एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज वाइटल, जो समावेशी सीखने का जो ये माहौल है ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सभी बच्चों को ये सीखने के लिए मौका देता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज लेस फोकस्ड ऑन द टीचर and formal instruction and more focused on the learning that is taking place, यानी जो समावेशी सीखना है या समावेशी जो पाठ्यक्रम या शिक्षा की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था जो है वह शिक्षक और औपचारिक निर्देश पर कम केंद्रित रहता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वह महत्व दिया जाता है कि जो बालक है वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, यानी सीखने के जो मौके हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी यह जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण न होकर छात्र की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दिस इज
important research has shown that children do not all learn the same way. यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जितने भी जो रिसर्च हुए हैं उनसे पता चला है कि बच्चे यानी सभी बच्चे जो हैं वह एक तरीके से नहीं सीखते हैं, यानी एक ही मेथड से सभी बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है. नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है, सम लर्न थ्रू द यूज ऑफ पिक्चर्स. कुछ जो होते हैं वह चित्रों के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से. तो वाइल अदर्स लर्न बेस्ट थ्रू ऑडिटरी मीन्स, यानी कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो सुनकर ज़्यादा सीखते हैं. इसी प्रकार से कुछ ऐसे बालक, सम स्टूडेंट नीड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, जो हैं कुछ बालक आपको ऐसे मिलेंगे जो करके सीखने पर ज़्यादा जोर देते हैं. दैट अलाउ देम टू मैनिपुलेट एंड ग्रैप मटेरियल फॉर बेटर प्रोसेसिंग ऑफ न्यू स्किल्स. कुछ छात्रों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हाथ की जो गतिविधियां हैं वह आवश्यक होती हैं जो उन्हें नए कौशल के बेहतर प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के लिए सामग्री में हेर फेर करने या समझने की अनुमति प्रदान करते हैं या नई चीज़ें सीखने के जो हैं वह मौके देते हैं. तो इसी प्रकार से वी आर लर्निंग मोर अबाउट सेंसरी. तो इस प्रकार से इस इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से हम संवेदी के बारे में अधिक ज़्यादा सीख रहे हैं, यानी सेंसरी जो सिस्टम है कि वह अपने जो सेंसर सिस्टम्स है उसके माध्यम से वह कितना ज़्यादा सीखता है. नीड ऑफ स्टूडेंट्स एंड नीड ऑफ सेंसरी इनपुट वाइल लर्निंग इज क्रूशियल फॉर दीज स्टूडेंट. छात्रों को जरूरत है और संवेदी जो इनपुट है यानी जो सेंसरी इनपुट है उसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण की जाती है, महत्वपूर्ण रखी जाती है, या फिर कह सकते हैं इन बालकों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है. नेक्स्ट, दिस ऑनगोइंग रिसर्च डिस्क्लोज the importance of continually learning about students' needs and implementing instruction strategies to help each student to learn. यह जो शोध चल रहा है या इस प्रकार की जो शोध चल रहा है ये बच्चों की जरूरत के बारे में